जो नए सीरीज की अगली दवा है वो है रूमैक्स। जैसा कि मैंने स्टिक्टम बताया ड्राई कफ, रूमैक्स में भी वही ड्राई कफ रहता है, ड्राई इंसिस्टिंग कफ, लगातार खांसी आती रहेगी, गले में एक खसराहट महसूस होती है और स्टर्नम के पास, पिट ऑफ द स्टर्नम के पास भी एक इरिटेशन, और उसके साथ ये खांसी आती है, और जो खांसी आती है वो लगातार आती चली जाती है। इस खांसी में जो सबसे खास बात है वो ये है कि थोड़ी सी भी ठंडी हवा नाक के अंदर या मुंह के अंदर गई तो तुरंत खांसी शुरू हो जाएगी। मरीज अपने पूरे सर को ढक करके सोता है, खूब अच्छे से ढकेगा कि किसी तरह से कोई हवा अंदर न जाने पाए। सल्फर, नाइट्रम सल्फ, ब्रानिया की तरह इसमें डायरिया भी है, ब्राउनिश डायरिया जो सुबह में होता है। कितने मरीज ऐसे आकर कहते होंगे, डॉक्टर साहब जब हम रात को सोने जाते हैं या कपड़ा चेंज करते हैं तो मुझको पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। रूमैक्स उसकी सबसे अच्छी दवा है। इसमें दो दवाएं और हैं, ओलियंडर और नाइट्रम सल्फ। जैसे ही मरीज कपड़ा चेंज करेगा और नाइट ड्रेस पहनने की कोशिश करेगा तो खूब खुजली होने लगेगी। नाइट्रम सल्फ जो होता है वो उसकी जो इचिंग होती है वो जॉन्डिस से कनेक्टेड रहती है, या तो वो हिस्ट्री हो या प्रेजेंट में मरीज का लीवर ठीक से काम ना कर रहा हो। और जो इसका आखिरी सिम्टम है वो है स्टिचिंग पेन बाएं तरफ लंग में, जो निप्पल्स होते हैं उसके ठीक नीचे। इसी के कंपेयर में एक और दवा है, वो है नाइट्रम सल्फ। तो ये थी आपकी रूमेक्स एमारुलस रेमडी। थैंक यू।